बालाघाट जिले में कई सामाजिक संस्थाएं और जिला प्रशासन के संयुक्त प्रयास से आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को राशन सहित अन्य मदद उपलब्ध करवाई जा रही है। परंतु आज हम आपको दिखाते हैं इस तस्वीर का दूसरा पहलू, जहां लॉकडाउन के चलते लोगों को पेट की आग बुझाने के लिए क्या नहीं करना पड़ रहा। जी हां, लॉकडाउन इन दिनों गरीब लोगों के लिए आफत बन चुका है। तस्वीरों में पलवल के अनाज मंडी में सड़कों पर पड़ी हुई फसल के एक एक दाने को बीनती हुई दिखाई दे रही ये बुजुर्ग महिला पलवल के मोहन नगर व कैलाश नगर की रहने वाली है, जो कि लॉकडाउन के चलते बेहद ही लाचार हो चुकी है। इन महिलाओं का कहना है कि लॉकडाउन के चलते इन पर आर्थिक संकट मंडराने लगा है और सरकार या जिला प्रशासन की तरफ से इन्हें कोई मदद नहीं मिली है, जिसके चलते आज उन्हें अपने और अपने परिवार के सदस्यों के पेट की आग बुझाने के लिए मजबूरन पलवल के अनाज मंडी में सड़कों पर पड़ी हुई फसल का एक एक दाना बीनना पड़ रहा है। बुजुर्ग महिला ने अपनी नम आंखों से बताया कि ना तो अभी तक सरकार द्वारा उनकी कोई मदद की गई है और न ही जिला प्रशासन द्वारा। अच्छा। और हमें कछु मिले ना बेटा, राशन कार्ड हमें नाद भी ना दे बेटा। अच्छा। और बेटा बड़े भूखे मर रहे हैं, लखुआ मारा आदमी घर में पर हो जी। हाँ, कछु भी ना मिल, राशन कार्ड आदि वाले हरे कार्ड थे बेटा, दियो ना हरो कार्ड हमारा, हम रीते डिगरे आए जी। फिर हम जंगल को गए, आधी किलो लाए, कभी कितना लाए, जब पीने के लाए बेटा हमारा। अच्छा। आने को नाद भी ना, लखुआ मारा हमारा आदमी घर में पर। सर, क्या कारण है जो उनके घर तक मतलब राशन नहीं पहुँच पा रहा है? सर नहीं मैडम, ऐसी तो कोई बात नहीं है, जिनने हमने फार्म भरवाए थे ऑनलाइन भी भरवाए थे जी, जो सरकार की तरफ से राशन आ रहा है, प्लस सीएम साहब ने दो दिन पहले ही घोषणा करी है जिनका एपीएल कार्ड है उनको भी फ्री राशन दिया जाए। अभी एपीएल पे घोषणा करिए ना, जो अब डिपो वाले बांटेंगे तभी तो मिलेगा। अगर कोई ऐसा बंदा कोई है ना कोई है, तो अगर सरकार की तरफ से है नहीं, मगर हमारे मंगला जी की तरफ से भी खाना भोजन चल रहा है जी। वहाँ से हम गीला बना हुआ खाना भी लेके आते हैं जी। और जो हमारे पास नाम लिख के ले जाता है, नाम और मोबाइल, हम उसे 11 बजे के डिस्प्यूट कर देते हैं। खबरों की विस्तार से जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और क्लिक करें बेल आइकन पर, ताकि कोई भी खबर आपसे अछूती ना रह सके।